नमस्कार मित्रों, मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता आपके सामने हाजिर हो गया हूँ। और आज हम बात करने वाले हैं कि जो बच्चे टेंथ में पास हुए हैं उनको मैं सबसे पहले शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, उनको मैं शुभाशीष देना चाहता हूँ कि बहुत मेहनत के साथ किस तरह से कोरोना के माहौल में भी उन्होंने अपने परीक्षा को दिया और परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, सभी को मैं बहुत बहुत दिल से, मन की गहराइयों से मैं आभार प्रदर्शन करना चाहता हूँ। कुछ सलाह जो है इस वीडियो के माध्यम से मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि सबसे पहले आपको जब आप करियर चुनने जाओगे, जब आप सब्जेक्ट आगे का चुनोगे, 11वीं 12वीं जिसमें भी आपको जाना है, आईटीआई में भी आप जा सकते हैं, आप कोई स्पेशल कोर्स डिजाइन कर सकते हैं, स्पेशल जो है कंप्यूटर रिपेयरिंग का कोर्स है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का कोर्स है, योगाचार्य का, ऐसे बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस अभी आपके सामने आ गए हैं। अब क्या करना है आपको, 10वीं के बच्चों याद रखिएगा, पालक को भी मैं बोलना चाहता हूं, अभिभावक को भी मैं बोलना चाहता हूं कि सबसे पहले आपके फ्रेंड लोग किसमें जा रहे हो उसमें मत जाइएगा, जरूरी नहीं है। आप किसके काबिल हो, आपने आपका खुद का स्वॉट एनालाइज कीजिएगा, SWOT, आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपका वीकनेस क्या है, आपके सामने चैलेंजेस कौन से, आपके सामने अपॉर्चुनिटीज कौन कौन से है, उसको देखिएगा, अपने स्वॉट एनालाइज को देखकर फिर कदम बढ़ाइएगा। दूसरा, देखिए कि आपकी सबसे ज्यादा रुचि कौन किस में है, आपकी साइंस में है, कॉमर्स में है, आर्ट्स में है, कला में है, विज्ञान में है, किसमें आपकी सबसे ज्यादा रुचि है उसमें आप जाइएगा। तीसरा, पूरे शांत से, एकदम कोई जल्दी से हड़बड़ी में अपने को कोई डिसीजन नहीं लेना है, आराम से पूरा एनालाइज कीजिएगा। ऑलरेडी आपने एनालाइज किया होगा, लेकिन फिर भी जिन्होंने नहीं किया है अपना खुद का एनालाइज कीजिएगा कि कौन से क्षेत्र आपके लिए सही रहेगा, कौन से क्षेत्र में, अभी से लेके 5 साल तक का देखिएगा, क्योंकि आप जब अपना करियर चुनाव करोगे, जब तक आप अपनी करियर की शुरुआत करोगे तब तक 3 से 5 साल का समय लग जाएगा। तो देखिएगा कि कौन से क्षेत्र जो है सबसे अच्छे हैं और उस क्षेत्र में अपने आप को काबिल बनाने की कोशिश कीजिएगा। कुछ चीजें हैं, बेसिक चीजें हैं, जैसे स्पोकन इंग्लिश है वो आप सीख सकते हैं, जैसे कुछ स्किल्स है वो सीख सकते हैं, कंप्यूटर स्किल्स है, मोबाइल से रिलेटेड है, हार्डवेयर से रिलेटेड है, आज के तारीख में ये सारी चीजें सीखनी बहुत जरूरी है। ऑनलाइन कैसे जाना है, ऑनलाइन अपने आप को कैसे प्रमोट करना है, अपने आप को ब्रांडिंग कैसे करना है, ये सब कीजिएगा। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो बात करना चाहता हूं मैं आपको, अभी से ही, आज ही से अपना खुद का वेबसाइट शुरू कीजिए, आपके नाम का एक वेबसाइट शुरू कीजिए। अच्छा क्यों, थोड़ा थोड़ा उसमें रोज कुछ ना कुछ डालते रहिएगा, थोड़ा मटेरियल डालते रहिएगा, जैसे आप फेसबुक पे डालते हैं, बाकी जगह पे डालते हैं, बाकी सोशल मीडिया पे डालते हैं, तो अपना एक खुद का वेबसाइट बना के आज ही से या तो एक ब्लॉग लिखना शुरू कर दीजिएगा, हिंदी मराठी अंग्रेजी जो भी आपको लैंग्वेज में लगता है वो लैंग्वेज में आप लिखिएगा, लेकिन अपना एक खुद का वेबसाइट बनाइएगा। अगर एक अच्छा करियर आप बनाना चाहते हो तो ये सलाह मेरी मानिएगा, आप किसी भी लाइन में जाइएगा, हर लाइन में आपको स्कोप मिलेगा, हर लाइन में आपको कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होने वाली है, लेकिन ये जो चीज़ है, अगर आज आप वेबसाइट बना लेते, फ्री वेबसाइट बहुत सारे अवेलेबल हैं, ग्रू फनेल नाम का एक वेबसाइट है जो आपका वेबसाइट फ्री में बना के दे देगा, आज ही से बना के उसको अपडेट करते रहिएगा रोज, कि ये ऐसा हुआ वैसा हुआ, क्या क्या भावना आपके अंदर आ रही है वो लिखिएगा। तो ये सारी चीज़ें 10th के बच्चों के लिए मैं मेरी तरफ से गाइडेंस करना चाहता था। बहुत बहुत धन्यवाद।